आवास पर। और यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ प्रपोज मंत्री श्री संदीप सिंह जी यहाँ से लड़ रहे हैं और हम उनके पैतृक गांव आए हुए हैं। हम उनके दादी जी से भी बात की, उनका कहना ये था कि आसपास की क्षेत्रीय जनता ने बाहरी बहुमत से उन्हें विजय बनाने का संकल्प लिया है और वो बना रहे हैं, और हमने उनको आशीर्वाद भी दिया है। और हमारे बीच आज जिला उपाध्यक्ष और जिला महामंत्री उमेश सुब्बो जी और ठाकुर देवपाल सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं। और अतरौली से इस कवरेज के लिए विशाल नारायण शर्मा जी के साथ मोहित नागर। अम्मा जी मैं एक बार कहना चाहूँगा, अम्मा जी सबसे पहले तो ये बात जानना चाहूँगा कि संदीप सिंह जी यहाँ से खड़े हुए हैं, तो उनको क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे और मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? संदीप सिंह जी अच्छे वोटों से जीत कर और विजयी होकर वो अपने गाँव आए, ऐसा आशीर्वाद दिया है आपने। और जनता से भी क्या कहना चाहिए अथॉरिटी से? पापा सब बोल रहे उनका सबका साथ साथ है, बाबू जी का साथ है, आपका साथ है, तो निश्चित ही जैसा कि मैं आपको बता दूं कि माता जी ने हमसे कहा है कि सभी आसपास के जितने भी गांव हैं और अतरौली क्षेत्र के जितने भी माजरे हैं, सभी की जनता का सहयोग हमारे संदीप सिंह जी को मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है और वह पूरा बहुमत मिल रहा है, उसका उनका प्रेम मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और माता जी ने भी कहा है, मैंने भी उनको आशीर्वाद दिया है कि वो विजयी होकर अपने और पास गांव सब मेरे हैं। सब माता जी ने कहा है कि उनका क्षेत्र गृह जनपद है और वहाँ पर उनको उनके पुत्र को आशीर्वाद मिलेगा, विजयी होकर वो अपने गांव मड़ौली आएंगे। प्राइम 18 खबर के लिए विशाल नारायण शर्मा के साथ मोहित नागर। मेरा नाम नानक राजपूत है और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला मंत्री हूँ। कहाँ से? अलीगढ़ से। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि किस तरीके का रुझान चल रहा है, मतदान का प्रतिशत क्या चल रहा है, बताएं दरगमा। पूरी तरह से योगी मोदी के पक्ष में मतदान हो रहा है और अभी 12 बजे की अपडेट है अलीगढ़ विधानसभा की, 25-26% वोट पड़ चुका है और सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैंने अब तक करीब 30-35 गांवों का मैंने अभी भ्रमण किया है विधानसभा बरौली अतरौली में, और जिससे मालूम पड़ रहा है जिन लोगों से बातचीत की है लोगों गाँव जाकर, तो बस एक ही बात कह रहे हैं कि योगी जी फिर से आएंगे, योगी जी और कमल के फूल का बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाने जा रहे हैं। अभी पश्चिमी यूपी का चुनाव आज मतदान हो रहा है, उसमें योगी जी के लिए 80% सीटें मिलने जा रही हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है और अब भी लगा रहा है कि मेरा नाम उदयपाल सिंह, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा अलीगढ़। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो क्षेत्र का चुनाव हो रहा है, जनता में किस तरीके का रुख है, क्या इतना जोश मैं कभी नहीं दिखाता था जनता, इतनी भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं और हमारे यहाँ से प्रत्याशी ईमानी संदीप सिंह संजीव भैया जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। पिछली बार 51,000 वोट जीते थे, अब 1,00,000 पार होगा, 1,00,000 से ऊपर जीत होगा। तो लोगों में इस बार ऐसा जोश देखने को मिला है आपको? जी बहुत जोश, इतना मैं बता रहा हूँ आपको, पहले जितने मतदान होते थे पहले कई मतदान इतना देखा नहीं हमने, सुबह 7 बजे से लाइन लग गई और 12 बजे तक 50% की पोलिंग हो गई अतरौली के अंदर। जी 12-1 बजे तक हो गई जी, बड़ी खासी तादाद होती है। जी बहुत अच्छी पोलिंग चल रही है। हमारे भी जिला महामंत्री सुमित सुब्बो जी भी हैं मौजूद। सर आपको क्या लगता है आज आप
ग्राम नोडोरी आए हैं पैतर गाँव मुख्यमंत्री जी के, तो क्या लगता है आपको किस तरीके का रुख बन रहा है? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है इसके लिए, जनता समझदार है और जनता ने जवाब दे दिया है। जो कि अखिलेश यादव ने किया था, जो कि बहुत शर्म की बात है, पूरी दुनिया शोक में डूबी थी बाबूजी के निधन पर। अखिलेश जी को इतनी भी शर्म नहीं आई कि बाबूजी के निधन पर आ सके और दो लाइन भी लिख सकें किसी के लिए। उस चीज़ का जवाब जनता दे रही है और बहुत तबीयत से दे रही है। पिछली बार से हम काफ़ी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और जवाब भी देंगे। यहाँ से पीटीसी देना चाह रहा हूँ।